हेलो मैं हूँ शांता जॉइन मी ऑन दिस एपिसोड ऑफ मी यू एंड लाइफ क्या आपने कभी अनुभवहीनता का अनुभव किया है दैट यू एंड अ सिचुएशन एंड थिंक वट इज़ हैपनिंग दिस इज़ नॉट पॉसिबल आई थिंक सभी ने कभी ना कभी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन ये ऐसा ही एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ पर इसको समझने के लिए मुझे इसको शुरू से बताना पड़ेगा ये कुछ साल पहले की बात है मैं शेमिनिस्टिक क्लासेस ले रही थी तो मेरी मुलाकात दूसरे शेमन से हुई कई ग्रुप्स हैं यहाँ हॉलैंड में वो जो शेमिनिक वर्क करते हैं ऐसा ही एक ग्रुप या तो कल्चर कह सकते हैं जो माया कल्चर या माया रिलीजन को मानते हैं इसमें काफ़ी शेमन हैं तो मैं इनके इन लोगों के साथ कुछ इनके कैलेंडर और कुछ रिचुअल्स के बारे में सीखा जो मुझे अच्छी लगी मैंने उनको अपनाई और बच्चों ने भी इसको सीखा जिसे हम हिंदुओं का कैलेंडर फागुन मास इज़ द लास्ट मंथ और चैत्र से फिर हम नए साल शुरू करते हैं वैसे ही मायंस का अपना कैलेंडर है द थर्थिन मून कैलेंडर ट्वेंटी फोर्थ जुलाई मायन ईयर का last day, or 26th of july is the first day of the new year one day is not included in the count is not included in the calendar 25th of july is therefore the day between the years is a day out of time isdin go yelok special mantehe Sab milker is a celebrate meditate जो पुराने हैं, जो बीत गया हो उसको जाने देते हैं लेट दी ओल्ड गो और नए साल के लिए इरादे निर्धारित किए जाते हैं द इंटेंशन इज द नेक्स्ट ईयर मैं ये ग्रुप के साथ कुछ साल ज्वाइन की क्योंकि मैं बरसों से शैमेनिक और मायन से आकर्षित थी तो मैं कुछ सालों इनकी ग्रुप को ज्वाइन की मैंने बहुत कुछ सीखा आई हैव वेरी ब्यूटिफुल एंड warm मेमोरीज ऑफ those ईयर्स अभी भी कुछ खास सेलिब्रेट होता है तो मैं उसमें शामिल होती हूँ आई रियली enjoy इट यहाँ मैंने सीखा है नेचर की रेस्पेक्ट करना नेचर को इंजॉय करना नेचर को ट्रस्ट करना एंड कनेक्ट विद नेचर कुछ रिचुअल्स सीखे जैसे कि क्लेंसिंग रिचुअल ड्रमिंग फुल मून रिचुअल स्मोक बात हीलिंग रिचुअल्स ये सब मैंने सीखा हम उस ग्रुप में चार साल लगातार दे आउट ऑफ टाइम इफेंट्स किए जब लास्ट ईयर हमने की तो करीब चार हजार लोग आए थे बट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ यू हैव टू लिसन केयरफुली अभी तक मेरे पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है एक बार हम इफेंस से लौटे तो निकोल वन ऑफ द मेम्बर्स उसके घर गए हम अक्सर उसके घर जाते थे इवेंट की प्रेपरेशन की मीटिंग्स के लिए अब हम एफिलवेशन के लिए उसके घर गए हम उसके लिविंग रूम में नीचे बैठे थे चार लोगों के साथ हम थ्री वेमेंस और एक आदमी खुशे। जैसे एक टेबल बीच में हो और हम दो लोग इस तरफ और दो लोग उस तरफ मैं और निकोल एक साइड पर बैठे थे और उस तरफ होसे और एक और लेडी जिसको मैं नहीं जानती हूँ हमारे बीच जो था वो टेबल नहीं था लेकिन एक तुम का धक्कन था अ लेथ ऑफ अ तुम इट इज़ फुल ऑफ कैरेक्टर्स एंड टेक्स्ट दैट आई कुड नॉट रीड हम चाय पी रहे थे और खुश हमें उस पर जो टेक्स्ट और कैरेक्टर्स थे उसको एक्सप्लेन कर रहा था निकोल उसके बातों को ट्रांसलेट कर रही थी वो हमें बहुत कुछ बताया 2012 के बारे में about a lot of fears coming up from the east, about the conjunction of Jupiter and Saturn last year, the energy that is released and the change in the vibration frequency are kaise hamari to grow into a higher dimension. The change it will bring for us are jovikash hoga the growth we are going to make. हम तीनों हुसैन के बातों को बड़ी ध्यान से सुने ये जुलाई 2008 की बात है क्योंकि उन दिनों बहुत बातें होती थी कि माइंस ने कहा है कि दिसंबर 2012 में इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड तो हुसैन ने हमें समझाया कि एक साइकिल 5125 साल का वो समाप्त होता है और नया साइकिल पाँच हजार 126 साल का शुरू होगा उसने तब बताया कन्जेंकशन के बारे में जो 21 दिसंबर 2020 में हुआ है वो हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है विद दिस कन्जेंशन वी एंटर हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी विच पोस अस अपवर्ड्स और बहुत सारी बातें उसने बताया हमें मैं इन बातों को शेयर किया अपने घर पर ग्रुप मीटिंग्स जो होती थी जितनी मीटिंग्स में मैं जाती थी एज ए गेस्ट स्पीकर मैं शेयर करती थी और अभी तक मैं शेयर करती हूँ पर निकोल से इसके बारे में फिर हमारी बात नहीं हुई हम मिलते थे लेकिन उस कॉन्फर्सेशन जो हम चारों के बीच हुआ उसके बारे में बात नहीं होती थी इट वॉज नॉट मैंशन विनीो वनी दि टू नो मार्च 2020 में जब इतनी फीट थी कि यह वायरस दुनिया भर में है और क्या होने वाला है लोगों में डर था और है कि क्या होगा तो इतने सालों बाद मैं निको से इसके बारे में बात की नेक्स्ट एपिसोड में हमारी क्या बातचीत हुई ये मैं बताऊंगी लाइक एंड शेयर माय पॉडकास्ट और इस एपिसोड को मेरे यूट्यूब चैनल मी यू एंड लाइफ पर ज़रूर देखें फॉर द पिक्चर्स थैंक यू फॉर लिसनिंग फिर मिलेंगे